दो गुरु बनाए हैं भगवान सुखदेव जी ने, शंकर भगवान ने दो गुरु, एक अपने पिता को और एक राजा जनक को। राजा जनक ने दीक्षा दी है गृहस्थ बनाने की, गृहस्थ तैयार करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, ये गृहस्थ कह रहा है। गृहस्थ में जाके ब्रह्मचर्य का पालन करो, तो ये तो उल्टी विद्या दिख रही है महाराज, गृहस्थ में ब्रह्मचर्य कैसे पालन होगा। तो भगवान कहते हैं ब्रह्मो आचरणम न पुत्र वाधि, औलाद के लिए संतान के निर्माण के लिए जब हम संबंध करते हैं तब हम ब्रह्मचारी ही कहलाते हैं। भगवान का काम कर रहे हैं ये, संसार में प्रजनन कर रहे हैं। सुखदेव जी ने ग्रस्त किया, पांच बच्चों को जन्म दिया, उनको विद्वान बनाया, महान बनाया। फिर सुखदेव जी चौथेपन में वैराग्य लेकर दिगंबर होकर के पूर्णतः संन्यास होकर के गंगा तट पर चले गए। अंतिम समय हम गंगा तट पर जाते हैं तो जाना ही चाहिए, पर मरने के बाद कोई ले जाए वो ठीक बात नहीं, जिंदे पर खुद ही चले जाना चाहिए। मैं तो नियम का ही पालन करूंगा, पक्की बात है, वो ठोस है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, पर मैं आपको भी सिखाता रहता हूँ। भगवान सुखदेव जी गंगा तट पे चले गए, अंतिम पड़ाव में गए महाराज। जब भगवान सुखदेव ग्रस्त में पूरे हो गए, वानप्रस्थ भी पूरा हो गया, दिगंबर संन्यास वैराग, तब गए और तभी उन्होंने कथा सुनाई दूसरों को। क्योंकि सूत जी को मैं जानता हूँ कथा में, इतिहास में, सुखदेव जी को जानता हूँ, नारद जी को जानता हूँ, इनकी कथाओं से जगत का कल्याण हुआ, क्योंकि ये पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, त्याग का पालन करते थे। इन्होंने ग्रस्त का त्याग कर दिया था। आप ग्रस्त में रह के कथा सीखें, पढ़ें, सब काम करें, पर जब कथा में हैं तब आप सब नियमों का पूरी तरह पालन करें। तापस्तम कृतम जाताम भवतन्नः। आइए बंधुओं, श्री सुखदेव जी गंगा तट पर पहुंच गए हैं तपस्या करने के लिए। क्या तपस्या कर रहे हैं? जो उन्होंने ब्रह्मचर्य काल में पहली अवस्था में विवाह से पहले जो विद्या पढ़ी है उस विद्या को पुनः अध्ययन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, वो चौथी अवस्था है। इसीलिए हमको दूसरी बार भी पढ़ाई करनी, दो बार पढ़ना चाहिए, एक बार संसार के लिए रुपया पैसन को और एक बार परमार्थ के लिए पढ़ना चाहिए। उसे हम वानप्रस्थ कहते हैं, स्वाध्याय काल कहते हैं। जो भी 50 वर्ष का हो गया हो उसे घर में रामायण भागवत गीता लाके सुबह शाम पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। जैसे ही 70 पे पहुँचे तो किताब बिताब छोड़ के सीधे गंगा जी पहुँचो हरिद्वार में। महाराज वहाँ जाके कहाँ रहेंगे, हम तो रो ही ना सके बिना कमरे के। तो फिर तैयार रहो नरक में जाने के लिए। कमरे से कैसे भी मुक्ति चाहे ऐसो दिल बनाओ, अरबोपति रहो खरबोपति रहो, जब करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 100 करोड़ के बंगले में रह लिए तो अब मरने के लिए ऐसी जगह चुनो जहां लोग हड्डी ना ले जाएं, हम खुद जाएं। कहां जाते हैं मर के सब हिंदू? गंगा ले जावे को नियम बताया हो। तो बाल बच्चे ने की मुसीबत क्यों बढ़ा रहे हो, खुद ही चल के पहुंच जाओ। अरे बच्चन को भरोसो नहीं है क्योंकि रोटी देने को राजी नहीं है तो कहां से अग्यारी देंगे। जिंदे पे रोटी परोसी ना है तो श्राद्ध है विवारों।